हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट 5। आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मैजिकल हिंदी डब वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, एंड आई होप इसमें आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारी नंबर 5 की वेब सीरीज है कष्ट। यह साल 2020 में आई थी। यह एक एडवेंचर मैजिकल वेब सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जिसके पास कुछ मैजिकल पावर होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसकी माँ को मार देते हैं और इसके पूरे गांव को जला देते हैं। मरने से पहले इसकी माँ इसको एक तलवार देती है और इसको एक जादूगर को देने के लिए बोलती है। आखिर इस तलवार में ऐसा क्या होता है और क्या ये लड़की इस तलवार को जादूगर तक पहुंचा पाती है, और उसको इन सफर में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इस सीरीज का अब तक एक ही सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड है। यह एक एडवेंचरस सुपर पावर फैंटेसी वेब सीरीज है। इसको देखने पर आपको काफी मजा आएगा। इसको IMDb रेटिंग 5.9/10 मिला है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली वेब सीरीज पर, और हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द शन्नारा क्रॉनिकल्स। यह एक फैंटेसी मैजिकल वेब सीरीज है। इस सीरीज में आपको बहुत सारा एडवेंचर, एक्शन और मैजिक देखने को मिलेगा। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है बहुत ही खूबसूरत जगह की, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी मैजिकल पावर होती है। साथ ही साथ इस पेड़ के अंदर एक खासियत और होती है कि यह अपने अंदर बहुत सारे डेविल्स यानी राक्षसों को कैद कर रखता है। सीरीज के शुरुआत में दिखाया गया है कि डेविल्स का सरदार इस पेड़ से आज़ाद हो जाता है और धीरे धीरे पेड़ कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि इसके सारे पत्ते गिर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक पत्ते में एक डेविल्स कैद है, और जैसे ही यह पत्ता गिरता है ये राक्षस आज़ाद हो जाते हैं, और जिससे इनका लीडर और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। और देखना यह रहेगा कि एक सरनारा लड़का कैसे इन डेविल्स को मारता है और इस दुनिया को बचाता है। यह वेब सीरीज हिंदी में नेटफ्लिक्स और MX प्लेयर पर अवेलेबल है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसे IMDb रेटिंग 7.9/10 मिले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नंबर 3 की वेब सीरीज की ओर, और हमारी अगली वेब सीरीज है शेडो एंड बोन्स। यह वेब सीरीज 2021 में आई है। इसके अभी तक सिर्फ एक ही सीजन लॉन्च हुए हैं। यह एक एक्शन एडवेंचर मैजिकल ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया की जो कि 2 हिस्सों में बटी है। इस दुनिया के बीचों बीच एक डार्क वॉल होती है जिसकी वजह से दुनिया बटी हुई है। एक तरफ मैजिकल पावर वाले लोग रहते हैं और दूसरी तरफ आम इंसान। दोनों तरफ के लोग चाहते हैं किसी तरीके से दीवार हट जाए, कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे इस दीवार को हटाया जा सके। जो भी इस भयानक दीवार के अंदर जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर एक लड़की के पास ऐसी पावर होती है जिससे इन दीवारों को हटाया जा सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने के बाद पता चलेगा। यह वेब सीरीज हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसका अभी तक एक ही सीजन आया है। इस वेब सीरीज को 7.7/10 IMDb रेटिंग दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली नंबर 2 की वेब सीरीज की ओर, और हमारी अगली वेब सीरीज है द ऑर्डर। यह वेब सीरीज आई थी 2019 में। इसके अभी तक 2 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। यह एक फैंटेसी सुपर पावर एडवेंचर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में वेयरवुल्स, डार्क पावर और बहुत सारे मैजिकल चीजें दिखाई गई है, जिसमे डीमंस की दुनिया, ब्लैक मैजिक की पावर और वेयरवुल्स का एक्शन दिखाया गया है। अगर आप हैरी पॉटर जैसे मूवीज के फैन हैं, तो आपको यह वेब सीरीज काफी पसंद आएगी, जिसमें जैक नाम के एक लड़के के बारे में दिखाया गया है जो कि अपने कॉलेज के सीक्रेट एकेडमी को ज्वाइन करता है, और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक वेयरवुल्स है, और आगे चल के वो डार्क पावर वाले लोगों से कैसे लड़ता है, कैसे ही मुश्किलों का सामना करता है, और बहुत ही एडवेंचरस चीजें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। द ऑर्डर को IMDb रेटिंग मिला है 6.8/10। तो बढ़ते हैं अपनी अगली वेब सीरीज की ओर, और हमारी अगली वेब सीरीज है हमारी नंबर 1 की वेब सीरीज द विचर। 10 में से 8.2 IMDb रेटिंग मिला है इस बेहतरीन वेब सीरीज को। यह कहानी जादू और एक्शन के इर्द गिर्द लिखी गई है। इस फिल्म में
आपको हॉरर और एक्शन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हेनरी केविल यानी कि सुपरमैन इसमें एक विचर है। इन्होंने एक विचर का किरदार निभाया है। विचर का मतलब है एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ दानवों को मार सके और कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि यही उनकी नियति है और इसी नियति के आधार पर इन्हें विचर कहा जाता है। इस वेब सीरीज में आपको काफ़ी सारे किरदार नजर आएंगे और काफ़ी सारे मेकर्स भी। इस वेब सीरीज में एक एनिफर नाम की लड़की भी है जिसका किरदार आपको हिलाकर रख देगा। इसकी कहानी यूं तो बुराई पर अच्छाई की जीत और खूब सारा एक्शन, एक हॉरर टाइप में इसकी रचना की गई है और तभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर इसके एक्शन देखे जाएं तो यह बहुत ही बेमिसाल है। तभी लोगों ने अपना रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया है। यह वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में डब मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर इस वीडियो में कोई भी वेब सीरीज आपकी फेवरेट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।